एग्जाम्पल 38 देखते हैं, चैप्टर 5 का डिफरेंशिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है कि फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या है हमारे पास? इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको लिखेंगे, तो नोटेशन हमारे पास ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब एक बार आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब वाई जो फंक्शन आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो डी वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज़ वॉट द डी एक्स मीन्स। देन तो हमारे पास वाई जो है वो देखिए क्या है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेन ऑफ एक्स। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वी विल गेट डी वाई ओवर डी एक्स इज वॉट, इट इज़ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? अब हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू फाइंड करना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स हमारा क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको इक्वेशन वन दे सकते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा। तो देखिए क्या आएगा, थ्री हमारा कॉन्स्टेंट है, सो डी थ्री टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा थ्री, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स, इसको एक्स टू द पावर एन से करेंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का अगर करना है तो पहले इसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्स की पावर एन टाइप का ये फंक्शन है, तो पहले हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन मतलब टू सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, जो एक्स से रिप्लेस हुआ टर्म है उसका दोबारा करते हैं तो दैट विल बी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा सिक्स एक्स प्लस टू। अब यहाँ दो सेक एक्स है तो हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। दिस इज योर डी टू आई अपॉन डी एक्स टू, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे 39। तो हमारा एग्जाम्पल 39 है कि अगर हमारा वाई जो है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो आपको क्या करना होगा? तो इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इसमें हमारा डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। तो ये चैप्टर हम लोग ने डिस्कस किया हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, पूरा सॉल्व किया हुआ, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो अब हमारे पास इसमें क्या है कि वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करने में आपको ये देखना होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ये बोल रहा है फाइंड करने को, क्योंकि जब वो फाइंड करेंगे और वाई की वैल्यू रखेंगे तो उनका सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो टू प्रूव दैट, तो प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले जो इक्वेशन वाई दी है, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, इसको डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, बिकॉज कॉस एक्स का माइनस एन एक्स। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन एक्स और प्लस सॉरी माइनस बी कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, तो चाहे तो आप इसकी जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की इक्वेशन हमने लिखी है, मान लीजिए ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, तो या तो आप थर्ड इक्वेशन को इसमें जो रिजल्ट है उसमें यूज़ कर लें या फिर डायरेक्टली यहाँ से कैसे कर सकते हैं देखिए वो देखते हैं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स दिस इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ब्रैकेट बंद कर लिया हमने, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये हुआ। और ध्यान से अगर देखें तो ये वाला जो टर्म है जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन में था वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यही हमारा क्या है, ये वाला टर्म है। तो दैट इज डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इक्वल टू माइनस वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी पहुँच गए, या तो आप एल एच एस इसका कंसिडर करते और वहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और वाई की वैल्यू रखते, देन ऑल्सो यू विल गेट जीरो, और यहाँ पर डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोथ द मेथड आर करेक्ट।